मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रेत के अवैध परिवहन को रोकने गए एक आदिवासी किसान को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के सिंगरौली से रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेत माफियाओं ने एक आदिवासी किसान के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। वहीं सिंगरौली में हुई इस जघन्य घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी मोहन सरकार पर जुबानी हमला बोला। कल दिवस घटना रात में एक आदिवासी युवक के साथ घटित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष अन भाजपी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रैक्टर से दबाकर एक आदिवासी युवक को मार दिया गया। ये हम समझते हैं कि इस तरह की घटना घोर निंदनीय है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित हो रही है। सिंगरौली जिले में चितरंगी ब्लॉक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक महीना पहले ही एक दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह अन्य घटनाएं, चाहे सीधी हो, चाहे कटनी हो, चाहे आपका मुरैना हो, सागर हो, लगातार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पुलिस प्रशासन उनको बचाने में पुरजोर कोशिश करती है। और अभी भी जब कल घटना घटी है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ट्रैक्टर की जब्ती कराई गई है। सिर्फ आदिवासी युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और बार बार मना करने के बाद भी अवैध परिवहन जब नहीं रोक रहे थे तो मजबूरी में वो आदिवासी युवक ट्रैक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसको दबाकर मार दिया गया। और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के विधायक भाजपा के नेता कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस घटना में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार सीधी में भी जो अभी आदिवासी युवक के साथ घटना घटित हुई है, उसके बाद एक दलित शिक्षक के साथ जिस तरह से मार पिटाई हुई है और लीपा पोती कर दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा जो परेशान लोग हैं उनके खिलाफ ही आरोप लगाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरह की घटना घटित हो रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेगी। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सिंगरौली में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सिंगरौली।